अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ सबसे पहले मैं आटा लगाऊंगी। यहाँ मैंने गेहूँ काट लिया है 2 कप। इसमें 2 चम्मच बेसन ऐड करेंगे, 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। खास बात, आपको आटा नरम लगाना है, सख्त नहीं लगाना है। अगर आटा सख्त होगा तो पराठे फट जाएंगे, तो इस बात का खास ध्यान रखना। इसमें 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। फिर हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे। स्टफिंग के लिए मैंने मीडियम साइज़ कॉफ़ी का फूल लिया है, इसको कद्दूकस कर लिया है। इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे और इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फिर हम एक कॉटन का कपड़ा लेंगे, इसमें कद्दूकस को भी रखेंगे और इसका पानी निचोड़ लेंगे अच्छे से। आप चाहें तो हाथ से निचोड़ सकते हैं, अलग हो गया है पानी बिल्कुल। अब इसमें छोटे साइज का प्याज डालेंगे कटा हुआ, हरा धनिया डालेंगे, कद्दूकस अदरक डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, इसमें 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच अजवाइन डालेंगे हाथ से प्रेस करके, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच आमचूरन, 1/2 चम्मच लाल मिर्च। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ से। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें बिल्कुल भी। तो यह स्टफिंग तैयार है, तो चलिए पराठे बनाते हैं। तो यहाँ मैं लोहिया तैयार कर लूँगी पहले से, तो जिससे लोहिया पहले से सॉफ्ट हो जाती है और पराठा बनाने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ मैं सूखा आटा लगाऊंगी इस पर। फिर हम इसे पूरी की शेप देंगे। स्टफिंग भर रही है यहाँ पर 2 चम्मच। आप चाहें तो ज़्यादा ही कम कर सकते हैं। और जैसे मैंने दबा के इसे बंद किया है, ऐसे ही आप करोगे तो स्टफिंग बिल्कुल बाहर नहीं आएगी और एक्स्ट्रा आटा इसमें से निकाल देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना। चकली पर रखे इसे चारों तरफ से दबा देंगे, इससे स्टफिंग चारों तरफ पराठे में फैल जाती है। अब इसे सूखा आटा लगा के हल्के हाथों से बेल लेंगे। मैंने तवा पहले से गर्म करके रखा था, तो उस पर इसे डाल देंगे। ध्यान रहे 2 बार पलटने के बाद ही इस पर तेल लगाएं। दोनों तरफ तेल लगाने के बाद जिस पर रेड स्पॉट आ जाए तो इसका मतलब हमारा पराठा बन चुका है। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।